दोस्तों, अगर किसी इवेंट ने मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस को सबसे ज़्यादा शेप किया है तो वो है 1648 में साइन किया गया द पीस ऑफ वेस्टफेलिया। यहीं से इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। नेशन स्टेट, जिसे आज हम IR का फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ था। आज के वर्ल्ड ऑर्डर को देख के शायद ये समझना मुश्किल होगा कि एक समय ऐसा था जब नेशन स्टेट्स या इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने इंटरनेशनल रिलेशंस को बदल के रख दिया। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं तो नेचुरली इसे किसी वॉर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक पीस ट्रीटी अक्सर वॉर के बाद ही साइन की जाती है। वेस्टफेलिया की ट्रीटी भी एक वॉर से जुड़ी हुई है और वो है द 30 ईयर्स वॉर, जो 1618 से लेके 1648 तक चली। जी हाँ दोस्तों, 30 ईयर्स तक यूरोप में लड़ी गई इस वॉर ने आने वाले सदियों की राजनीति को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ये वो समय था जब नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करते थे और यूरोप के सारे छोटे बड़े किंगडम्स द होली रोमन एम्पायर के अंडर आते थे। एक्चुअल पावर रिलीजियस हेड के हाथों में हुआ करती थी और इसीलिए चर्च सबसे पावरफुल एंटिटी थे। होली रोमन एम्पायर में जितने भी साम्राज्य थे वो सब पोप के अथॉरिटी के अंडर थे। इसका मतलब ये था कि इन राज्यों के पास सोवर्न पावर्स नहीं थे, यानी उन्हें बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अपने डिसीजंस पे रूल करने की आज़ादी नहीं थी। मिडिल एजेस में क्रिश्चियनिटी प्रीडोमिनेंट रिलीजन हुआ करती थी और कैथोलिसिज्म उसका मेन सेक्ट। लेकिन जैसे जैसे कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, वैसे वैसे वो करप्ट भी होने लगे। 15th century के आसपास जब रेनेसेंस यानी रिवाइवल या रिबर्थ का दौर शुरू हुआ, तब चर्च के लिए चैलेंजेस बढ़ते गए। रेनेसेंस ने कल्चरल, इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को जगाया था। लोग क्लासिकल लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ने लगे थे। उनके लिए धर्म या आस्था सेकेंडरी होने लगी और एक आम इंडिविजुअल सेंट्रल फिगर बन चुका था। इस ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के चलते लोग चर्च के डोमिनेशन को क्वेश्चन करने लगे। रेनेसेंस ने रीइंफॉर्मेशन मूवमेंट को जन्म दिया। इसके लीडर थे मार्टिन लूथर किंग। उनकी लीडरशिप में कैथोलिसिज्म का विरोध करने वालों को प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया, लेकिन कुछ आइडियाज पे विवाद के चलते प्रोटेस्टेंट्स में भी बंटवारा हो गया। एक ग्रुप जो मार्टिन लूथर को फॉलो करता था वो लूथेरियन बन गया। दूसरा ग्रुप वो एक और लीडर जॉन कैल्विन को फॉलो करने लगा, जो कैल्विनिस्ट बन गए। देखते ही देखते रिलीजियस डिफरेंसेस का असर सारे किंगडम्स पे पड़ने लगा। कई रूलर्स जैसे डेनमार्क और स्वीडन के राजा भी अपना धर्म परिवर्तन कर प्रोटेस्टेंट्स बनना चाहते थे। जो किंगडम्स कैथोलिक रहना चाहते थे वो पोप के सपोर्ट में थे और उन किंगडम्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए जो प्रोटेस्टेंट्स बनना चाह रहे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में पीस ऑफ ऑक्सबर्ग, जो 1555 में साइन किया गया था, इस ट्रीटी में ये तय किया गया कि बिना होली रोमन एम्पायर से अलग हुए अलग अलग किंगडम के रूलर्स अपने प्रेफर्ड रिलीजन को चूज कर सकते हैं, या तो वो प्रोटेस्टेंट और उसमें भी सिर्फ लुथेरियन या कैथोलिक रह सकते थे। लेकिन इस ट्रीटी का मेन फीचर ये था कि धर्म की आज़ादी सिर्फ रूलर्स के लिए थी, उनके सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। यानी किसी भी किंगडम के सब्जेक्ट्स को उनके रूलर के चूजन धर्म को ही मानना था। इसका असर ये हुआ कि यूरोप में चल रहे रिलीजियस टर्मोइल ने होली रोमन एम्पायर और किंगडम्स के बीच ही नहीं, बल्कि राजा और प्रजा के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए। धर्म के बंटवारे ने पूरे रोमन एम्पायर में टेंशन्स क्रिएट कर दिए और यहीं से 30 ईयर्स वॉर की शुरुआत हो गई। 30 ईयर्स वॉर कैथोलिक लीग और प्रोटेस्टेंट यूनियन के बीच लड़ी गई थी। कैथोलिक लीग में हैब्सबर्ग, फ्रांस और स्पेन शामिल थे और प्रोटेस्टेंट यूनियन में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। 30 ईयर्स वॉर के दौरान होली रोमन एम्परर और पैपेसी के सुप्रीम सेंट्रल अथॉरिटी को चैलेंज किया जाने लगा। इस वॉर की शुरुआत बोहेमिया और होली रोमन एम्पायर के बीच एक आइसोलेटेड कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुई थी। धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप्स जैसे स्वीडिश और फ्रेंच जुड़ने लगे और समय के साथ ये वॉर पूरे यूरोप को निकल गया। उस समय किंगडम्स के बीच वॉर एक आम बात थी।
नॉन इंटरफेरेंस या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे आइडियाज उस समय कोई मायने नहीं रखते थे। वैसे तो ये वॉर धर्म के नाम पे छेड़ी गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसके मोटिवेशंस बदलते गए। ये वॉर पॉलिटिकल पावर और यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर के लिए लड़ी जाने लगी। इस वॉर के लास्ट में कैथोलिक फ्रांस को प्रोटेस्टेंट स्वीडन फंड करने लगा और इससे ये पता चला कि पॉलिटिक्स धर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। दोस्तों इसी वॉर के दौरान किंगडम्स के सोचने के तरीके में बदलाव देखा जाने लगा। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन वॉर के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। 1648 आते आते इन किंगडम्स को रियलाइज होने लगा कि इस युद्ध से किसी को भी लाभ नहीं हो रहा। अब तक इस वॉर में लगभग 80 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी और उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से 80 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा था। जब ये क्लियर होने लगा कि इस वॉर का कोई क्लियर विनर नहीं था, तब इसे एंड करने का डिसीजन लिया गया और एक पीस ट्रीटी साइन किया गया जिससे यूरोप में शांति लौट सके। दोस्तों इस वॉर के साथ हिस्ट्री, लॉ और पॉलिटिक्स के स्कॉलर्स स्टेट्स के बीच एक बेहतर सिस्टम ऑफ रिलेशंस और इनके सोवरेन पावर्स के बारे में सोचने लगे और इसका असर ये हुआ कि कांग्रेस ऑफ वेस्टफेलिया के नेगोशिएशंस 1642 में शुरू हुए और अगले 4 साल चलते रहे। आपको बता दें कि पीस ऑफ वेस्टफेलिया का नाम जर्मनी के वेस्टफेलिया डिस्ट्रिक्ट से आता है जहां ये ट्रीटी साइन की गई थी। वेस्टफेलिया के 2 शहर इस ट्रीटी के लिए मशहूर हैं, एक है ऑस्नाब्रक और दूसरा है म्यूंस्टर। पीस ऑफ वेस्टफेलिया 3 ट्रीटीज की एक सीरीज थी। एक ट्रीटी ऑस्नाब्रक में साइन की गई थी और बाकी 2 म्यूंस्टर में। पीस ऑफ म्यूंस्टर 30th जून 1648 में साइन की गई और ट्रीटी ऑफ म्यूंस्टर और ऑस्नाब्रक 24th अक्टूबर 1648 में। सारे किंगडम्स के 109 डेलीगेट्स इस ट्रीटी में शामिल हुए और सब ने साथ मिलकर यूरोप का भाग्य तय किया। इस ट्रीटी के 3 प्राइमरी एलिमेंट्स थे। पहला था वाइडर फॉर्मर रिलीजियस फ्रीडम। इसके अंडर ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग को फिर से रिकॉग्नाइज किया गया और रूलर्स के साथ साथ सब्जेक्ट्स को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हुआ कि युद्ध का एक मेन कारण था रिलीजियस फ्रीडम ना हो पाना। दूसरा एलिमेंट था डिप्लोमेटिक प्रोफेशन का इंट्रोडक्शन। इसका यह मतलब नहीं कि 30 ईयर्स वॉर के पहले किंगडम्स के बीच नेगोशिएशंस नहीं होते थे, बल्कि इस ट्रीटी ने फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेट्स और कॉम्प्रोमाइज ऑफिसर्स को लीगली रिकॉग्नाइज किया। तीसरा एलिमेंट था सोवरेन स्टेट का रिकॉग्निशन। इसके अंडर सोवरेनिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के चलते देश के पास ये आज़ादी थी कि वो अपना रास्ता खुद चुन सकते थे। नेशन स्टेट बनने शुरू हुए और ये तय किया गया कि कोई भी स्टेट अपने पावर्स को दूसरे स्टेट के अगेंस्ट बिना वजह इस्तेमाल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से शहर ब्रैंडनबर्ग को भी टेरिटरी दी गई। ये ब्रैंडनबर्ग आगे चलकर जर्मनी बना। दोस्तों इन सारे एलिमेंट्स के अलावा मल्टीपल टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स किए गए। सबसे ज़्यादा टेरिटोरियल गेंस के साथ फ्रांस और स्वीडन नए पावर्स के तौर पर सामने आए और हैब्सबर्ग एम्पायर कमज़ोर होता गया। स्विट्जरलैंड के इंडिपेंडेंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया और वह अब होली रोमन एम्पायर से आज़ाद था। स्विट्जरलैंड के साथ साथ नेदरलैंड्स के इंडिपेंडेंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया और स्पेन से इसको आज़ादी मिली। दोस्तों वॉर के दौरान ट्रेड और कॉमर्स पे जो बैरियर्स लगा दिए गए थे उनको भी हटाया गया। ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट किया गया और राइन रिवर पे फ्री नेविगेशन भी अलाउ किया गया। जर्मनी के थ्रू बहने वाली ये नदी यूरोपियन ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ट्रेड को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का एक जरिया माना जाने लगा। ये मॉडर्न डे लिबरल थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट प्रीकर्सर है। ये सोच से आता है कि बिजनेसेस वॉर को दूर रखेंगे। इस ट्रीटी के थ्रू पहली बार एक इंटरनेशनल सेट ऑफ लॉस को एस्टैब्लिश किया गया था जिन्हें यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ का फाउंडेशन माना जाता है। सोवरेनिटी, डिप्लोमेसी और स्टेट्स के बीच मीडिएशन के इन कॉन्सेप्ट्स का ओरिजिन भी वेस्टफेलिया है। वेस्टफेलियन सिस्टम को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और स्टेट सोवरेनिटी का मॉडल माना जाता है। पीस ऑफ वेस्टफेलिया ने वॉर के नेचर को भी चेंज कर दिया। 1648 के पहले कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए वॉर एक लेजिटिमेट मींस माना जाता था। इसका एक मेजर रीज़न ये था कि सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी इवॉल्व नहीं हुआ था। कोई भी पावरफुल किंगडम अपने से कमज़ोर किंगडम पे हमला या कब्जा कर सकता था, लेकिन इस पीस ट्रीटी ने यह एस्टैब्लिश किया कि कोई भी स्टेट किसी दूसरे स्टेट को डिस्ट्रॉय करने का राइट क्लेम नहीं कर सकता था। पीस ऑफ वेस्टफेलिया से नए पावर कॉन्फ़िगरेशंस इमर्ज हुए। 30 ईयर्स वॉर के बाद रोमन एम्पायर के सबसे पावरफुल साम्राज्य हैब्सबर्ग एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और फ्रांस एक नया सुपर पावर बन के उभरा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने रिलीजन और पॉलिटिक्स को आने वाले समय के लिए सेपरेट कर दिया।
पोप अब एक सिंबॉलिक हेड बन के रह गए और आज भी वही देखा जाता है। वैसे तो इसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया कहा जाता है, लेकिन ये पीस टेम्परेरी था। इसके बाद नेपोलियोनिक वॉर्स से लेकर वर्ल्ड वॉर्स तक यूरोप में कई वॉर्स लड़े गए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पीस ऑफ वेस्टफेलिया की लेगेसी मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस के कई कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और आइडियाज में पाई जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में कॉलोनिज्म के चलते यूरोप का इन्फ्लुएंस स्प्रेड होता गया, वैसे वेस्टफेलियन प्रिंसिपल्स, खासकर सोवरेनिटी इंटरनेशनल लॉ, प्रिवेलिंग वर्ल्ड ऑर्डर में सेंट्रल होती गई। 17th सेंचुरी के मशहूर हिस्टोरियन ह्यूगो ग्रोटियस का मानना था कि लॉ ऑफ सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए किसी भी सुप्रीम सोवन का होना जरूरी नहीं था। उन्होंने एक सोसाइटी ऑफ सोवंस की बात की थी। मॉडर्न IR का सिक्योरिटी डायलमा का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। वैसे तो यूनाइटेड नेशंस या यूरोपियन यूनियन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट के बीच रिलेशंस को मेंटेन करते हैं, लेकिन होली रोमन एम्पायर जैसे सुप्रीम अथॉरिटी का होना आज पॉसिबल नहीं है और इसका श्रेय वेस्टफेलिया को जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे पीस ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से आज की सोसाइटी के इंटरनेशनल रिलेशंस के नियम स्थापित हुए थे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रिलेवेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल UPSC GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया लीड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट? एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।